हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी आर स्टार्टेड सेशन नंबर 3, चैप्टर 2, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल। टुडे वी आर डिस्कसिंग टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, यूटरस, वेजाइना, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं? पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स, सिंगल यूटरस, वेजाइना, एसेसरी ग्लैंड एंड एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। द फर्स्ट वन इज द ओवरी। द ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। They are called as a female gonad. Each ovary is a solid ovoid almond shape. Ovary kaisi hai? Solid ovoid and almond shape. Size 3.5 cm in length, 2 cm wide and 1 cm thick. So each ovary ki size kitni hai? 3.5 cm length, 2 cm wide and 1 cm thick. Now next one is the location. The ovary are located in shallow depression called as the ovarian fossa. What is ovarian fossa? The ovaries are located in the shallow depression called as the ovarian fossa. Now each ovary are joined on the either side of the uterus. Uterus ke either side, aap diagram mein dekh sakte ho ki uterus ke either side mein ovary joined hai. इन द लैटरल वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। तो ओवरी कहाँ पे जॉइंट है? ऑन द लैटरल साइड ऑफ द यूटरस ऑफ द पेल्विक कैविटी। कौन सी कैविटी में? पेल्विक कैविटी। नाउ ईच ओवरी कनेक्टेड टू द यूटरस विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट्स या पेरिटोनियल लिगामेंट्स। ओवरियन लिगामेंट का दूसरा नाम है पेरिटोनियल लिगामेंट्स। सो ईच ओवरी कनेक्टेड टू द यूटरस विद द हेल्प ऑफ ओवरियन लिगामेंट और पेरिटोनियल लिगामेंट। सो ओवरी कंटेन अ फॉलिकल्स। आप लोग ओवरी में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फॉलिकल्स दिए हैं वहाँ पे, डेवलपिंग फॉलिकल्स। सो ओवरी कंटेन अ नंबर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स, डेवलपिंग फॉलिकल्स। सो दी फॉलिकल जो है, प्रीमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड ग्राफियन फॉलिकल। सो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ओवरी? ओवरी का मेन फंक्शन क्या है? इट सिक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन किसके लिए काम आता है? एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन फीमेल। फीमेल में सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर जो है वो सिर्फ एस्ट्रोजन की वजह से डेवलप होते हैं, ओके? और प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन प्रेगनेंसी। तो ये हुआ आपका ओवरी का स्ट्रक्चर। नाउ नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। सो ओवरी इज मेड अप ऑफ टू डिस्टिंग रीजन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। ओवरी के दो डिस्टिंग रीजन है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। सो नाउ आउटर कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन एंड इट इज अ मोर डेंस एंड ग्रैनुलर। आउटर कॉर्टेक्स ऐसा है, इट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी, इट इज डेंस एंड ग्रैनुलर। ग्रैनुलर क्यों है, डेंस क्यों है? बिकॉज इन दिस रीजन नंबर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स आर प्रेजेंट। आप लोग डायग्राम में देख सकते हो, द प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स दिख रहा है, प्राइमरी फॉलिकल्स दिख रहा है, सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स, ऑल दीज आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स रीजन। सो नाउ इन दिस कॉर्टेक्स रीजन ग्राफियन फॉलिकल्स आर प्रेजेंट विद सीक्रेट एस्ट्रोजन। जो एस्ट्रोजन किसके लिए काम आता है? सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन फीमेल। मेडुला इज अ इनर मोस्ट लूजली कनेक्टिव टिश्यू रीजन। इट कंटेन अबेंडेंट ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व फाइबर्स। जो इनर आपको ब्लड वेसल दिख रहे हैं ब्लू और रेड में, सो दिस आर द मेडुला रीजन। इट इज अ लूजली कनेक्टिव टिश्यू विद अबेंडेंट ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स, ओके? ये हुआ इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स कहाँ पे है? पेरिफेरल रीजन, डेंस ग्रैनुलर एंड नंबर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स प्रेजेंट है, प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ग्राफियन फॉलिकल्स। इनर मेडुला इज अ लूजली अरेंज, लूजली कनेक्टिव टिश्यू एंड हैविंग अबेंडेंट ब्लड vessels, lymphatic nerves and nerve fibers. So during ovulation,
इन द ओवरी ड्यूरिंग ओवुलेशन इन द ओवरी द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, डायग्राम में दिख रहा है आपको मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स, दिस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स ड्यूरिंग ओवुलेशन रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ओसाइट, इसको हम लोग ओवम बोलते हैं. सो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स क्या करता है ड्यूरिंग ओवुलेशन, रप्चर रप्चर एंड रिलीज सेकेंडरी ओसाइट, दिस सेकेंडरी ओसाइट रिलीज फॉर फर्टिलाइजेशन. सो फर्टिलाइजेशन आफ्टर ओवुलेशन में क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल्स से इट रिलीज सेकेंडरी ओसाइट. आफ्टर रप्चर सेकेंडरी ओसाइट निकलने के बाद जो रप्चर पार्ट है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स कन्वर्टेड इन टू द कॉर्पस लूटियम, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वाइट दिख रहा है आपको वाइट येलोइश. सो दिस रप्चर पार्ट of the graphene, remaining part of the graphene follicles converted into the corpus luteum. This corpus luteum secrete progesterone hormone. Okay? And secondary oocyte jab fertilize ho jata hai, after fertilization, the secondary oocyte, after fertilization of secondary oocyte, corpus luteum secrete progesterone hormone to maintain pregnancy. Means, yahan pe dekho, graphene follicles ovulation mein rupture hua, रिलीज सेकेंडरी ओसाइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, और रप्चर पार्ट रिमेनिंग पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस लूटियम. ये कॉर्पस लूटियम क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है टू मेंटेन प्रेगनेंसी. मेंटेन प्रेगनेंसी कब होगी, जब ये सेकेंडरी ओसाइट फर्टिलाइज होगा. ओके, इफ द सेकेंडरी ओसाइट इज नॉट फर्टिलाइज द कॉर्पस लूटियम कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस अल्बिकम, आप ऊपर देख सकते हो कॉर्पस अल्बिकम. एंड नाउ दिस कॉर्पस अल्बिकम्स आर द वाइट स्कार व्हिच इज बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जब बन जाता है सो इट स्टार्ट अ मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल फ्लो. ओके, ये वो आपका हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में आप लोगों ने आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला देखा, आउटर कॉर्टेक्स में नंबर ऑफ डेवलपिंग फॉलिकल्स देखे, प्रीमोर्डियल प्राइमरी सेकेंडरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल्स. ओके, मेडुला रीजन में ब्लड वेसल्स देखे, लिम्फेटिक वेसल देखे एंड नर्व फाइबर जो मिडल रीजन में है. ओके, ग्रेफियन फॉलिकल्स ओवुलेशन में ड्यूरिंग ओवुलेशन रप्चर हो जाता है, क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी ओसाइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, उसको हम लोग ओवम बोलते हैं. और रप्चर पार्ट कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट दिस प्रोजेस्टेरोन हेल्प टू मेंटेन प्रेगनेंसी, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ दिस कॉर्पस लूटियम कन्वर्टेड इनटू द कॉर्पस अल्बिकम. ओके, एंड इट इज अ बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो. सो दीज आर द हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी. नाउ नेक्स्ट वन इज अ ग्रेफियन फॉलिकल्स. हम लोगों ने लास्ट डायग्राम में देख ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर देखा कि ड्यूरिंग ओवुलेशन ये रप्चर होके क्या रिलीज करता है, सेकेंडरी ओसाइट. तो हम लोग उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. सेकेंडरी ओसाइट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल इज कॉल्ड एज अ ग्रेफियन फॉलिकल. ग्रेफियन फॉलिकल किससे बना है, सेकेंडरी ओसाइट जो है, सेकेंडरी ओसाइट आप डायग्राम में देख सकते हो, दिस आर द सेकेंडरी ओसाइट. सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर जो गोल दिख रहा है आपको, ग्रेफियन फॉलिकल्स के अंदर गोल दिख रहा है, दिस आर द सेकेंडरी ओसाइट जो यहाँ पे नीचे दिखा है, रप्चर हुआ है वो. सो दिस सेकेंडरी ओसाइट सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल इट्स कॉल्ड एज अ ग्रेफियन फॉलिकल्स. द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सेल कॉल्ड एज अ ओवम. बीच में आपको अंदर सेल जो दिख रहा है, ओके, दिस आर कॉल्ड एज अ ओवम. ओवम को सराउंडेड क्या है, जोना पेलुसिडा दिख रहा है डायग्राम में आपको, जोना पेलुसिडा. तो अंदर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको बीच में सेंटर में, दिस आर द ओवम. So mature graphene follicle consists of central cell called as a ovum, while remaining cell surrounded to the ovum called as a follicular cell. जो बाहर की तरफ ovum के बाहर जो surrounding cell is, these are called as a follicular cell. So ovum suspended into the antrium. Ovum किस में suspended है, antrium. आपको antrium दिख रहा है, follicular fluid दिख रहा है, antrium लिखा है. So this antrium, which is filled with semi viscous fluid. एंट्रीम किससे फील है, इट इज़ फील्ड विद द सेमी विस्कस फ्लूइड कॉल्ड एज अ लिकर फॉलिकल्स. लिकर फॉलिकल्स एंड नाउ दिस लिकर फॉलिकल्स, ये लिकर फॉलिकल कौन सीक्रेट करता है, फॉलिकुलर सेल. तो यहाँ पर देखो हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं. इन ग्रेफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी ओसाइट सेंटर में है, इट इज़ सराउंडेड बाय द फॉलिकुलर सेल्स इज कॉल्ड एज अ ग्रेफियन फॉलिकल्स. ओके, द मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल सेल ओवम, while remaining cell surrounded by the follicular cell. Ovum suspended in the antrium. किसमें suspended है, antrium. In antrium filled with the semi fluid. Okay, the semi fluid secreted by the follicular cell.
द आउटर लेयर ऑफ दिस ग्राफीन फॉलिकल इज कॉल्ड एज अ थीका एक्सटर्ना, नीचे डायग्राम में दिख रहा है आपको थीका एक्सटर्ना, वाइल इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना, थीका इंटरना, ओके, आउटर लेयर इज कॉल्ड एज अ थीका एक्सटर्ना, इनर लेयर इज कॉल्ड एज अ थीका इंटरना. द मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा, ऊपर देखो डायग्राम में जो अंदर जो गोल गोल सेल सेल दिख रहे हैं, जिस तरह मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल, दिस मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा सेल्स सिक्रीट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन. मैंने आपको पहले ही बोला था ग्राफीन फॉलिकल्स क्या सिक्रेट करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन. तो ये फीमेल सेक्स हार्मोन मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सिक्रेट करता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ऊपर, ओके. सो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सिक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड इज अ फेलोपियन ट्यूब. नेक्स्ट पार्ट इज अ फेलोपियन ट्यूब. हम लोगों ने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में हमने ओवरी स्ट्रक्चर किया, सेकंड इज अ फेलोपियन ट्यूब या ओविडक. सो फेलोपियन ट्यूब इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. फेलोपियन ट्यूब इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके. इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूबुलर एंड सिलेटेड स्ट्रक्चर. तो आपको डायग्राम में दिख रहा है ऊपर आम जैसा दिख रहा है बाजू दोनों. सो दीज आर कॉल्ड एज अ फेलोपियन ट्यूब. फेलोपियन ट्यूब, सो फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय स्पेशलाइज सिलेटेड सिंपल सिलेटेड कॉलिमुलर सेल एंड सिक्रेटरी सेल. तो फेलोपियन ट्यूब किससे लाइन है, फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय सिंपल सिलेटेड इपिथीलियल सेल एंड सिक्रेटरी सेल. सो सिक्रेटरी सेल ऑफ फेलोपियन ट्यूब प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द ओवम. यहाँ पे देखो ये फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है आपको, नाउ दिस कॉल्ड एज ओविडक. सो फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय किससे लाइन है, सिंपल सिलेटेड कॉलिमुलर सेल एंड सिक्रेटरी सेल. सिक्रेटरी सेल सिक्रेट क्या करते हैं, इट सिक्रेट सिक्रीशन विच हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द ओवम. क्योंकि ओवरी जब ड्यूरिंग ओविलेशन ओवम रिलीज करता है वो कहाँ पे आ जाता है, इट कम इनटू द फेलोपियन ट्यूब ओविडक फॉर द फर्टिलाइजेशन. सो सिलेटेड सेल ऑफ दिस फेलोपियन ट्यूब हेल्प इन द मोमेंट ऑफ ओवम, हेल्प इन द मोमेंट ऑफ ओवम. ईच फेलोपियन ट्यूब इज डिवाइडेड इन टू द थ्री रीजन, इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थमस. वापस देखो मैं फेलोपियन ट्यूब का वापस रिपीट कर रहा हूँ. फेलोपियन ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ओविडक. इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. इट इज अ मस्क्यूलर ट्यूबुलर एंड सिलेटेड स्ट्रक्चर. इट इज लाइज इन पेल्विस रीजन. कहाँ पे प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन जस्ट अबाउ द यूरिनरी ब्लैडर. सो फेलोपियन ट्यूब इज लाइन बाय सिलेटेड कॉलिमुलर सेल एंड सिक्रेटरी सेल. सिक्रेटरी सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं, सिक्रेट अ विस्कस फ्लूइड विच हेल्प फॉर द प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट टू द ओवम, वाइल सिलेटेड सेल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ ओवम. सो फेलोपियन ट्यूब डिवाइडेड इन टू द थ्री पार्ट्स, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम डायग्राम में दिख रहा है आपको, इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थमस. इनफंडिबुलम, एम्फुला एंड इस्थमस. सो इनफंडिबुलम इज अ ब्रॉड फनल शेप. इनफंडिबुलम रीजन कैसा है, इनफंडिबुलम इज अ ब्रॉड फनल शेप प्रॉक्सिमल पार्ट. सो नाउ दिस इनफंडिबुलम इन द प्रॉक्सिमल पार्ट हैविंग अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्रिया. आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ओवरी के साइड में दिखते होगी, उंगली जैसे दिख रही है, दिस आर कॉल्ड एज अ फिम्ब्रियम. सो इट इज अ ब्रॉड फनल शेप प्रॉक्सिमल पार्ट, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइजिंग फ्रॉम द प्रॉक्सिमल पार्ट आर कॉल्ड एज अ फिम्ब्रियम. सेकंड वन इज एम्फुला. सो एम्फुला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ओवम ओवरी से जो ओवम निकल रहा है सेकेंडरी ओसाइट वो एम्फुला में जाके रहता है, वहाँ पे फर्टिलाइज होता है. सो एम्फुला इज अ साइट ऑफ fertilization of secondary oocyte. It is a major portion of fallopian tube. It is long, thin wall and wide. It is a site of fertilization. Next one is the isthmus. It is a short thick wall and ciliated. Dikh raha hai aapko upar structure, these are called as isthmus. Isthmus kaisa hai, short thick wall ciliated and narrow straight part, narrow straight part. So hum log fallopian tube ki baat kar rahe hain. Fallopian tube ke teen reason kaun se hai, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड एज फिम्ब्रिया. सेकंड एम्फुला मेजर पोर्शन है, मेजर लॉन्ग पार्ट एंड इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. इस्थमस इज अ नैरो शॉर्ट पार्ट. सो दीज आर द रीजन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, थ्री पार्ट्स ऑफ द फेलोपियन ट्यूब,
फेलोपियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ ओविडा. ओके सो ये वो आपका फेलोपियन ओरी के बाद क्या हुआ सेकंड फेलोपियन ट्यूब. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज अ यूटरस. यूटरस इज कॉल्ड एज उम. उम को क्या बोलते हैं गर्भ. इट इज अ हॉलो मस्क्यूलर लार्ज पियर शेप. इट इज हॉलो मस्क्यूलर लार्ज पियर शेप. साइज कितनी इसकी 8 सेंटीमीटर. आपको बीच में जो सेंटर दिख रहा है फंडस यूट्रस दिख रहा है आपको लेबलिंग. सो दिस यूट्रस इज अ हॉलो मस्क्यूलर हाईली डिस्टेंसिबल पियर शेप सैक. इट इज अबाउट 8 सेंटीमीटर इन लेंथ 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक. 8 सेंटीमीटर इन लेंथ 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर थिक. इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन अबाउ द यूरिनरी ब्लैडर. इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन अबाउ द यूरिनरी ब्लैडर. इट कैन डिवाइडेड इन टू द 3 पार्ट्स फंडस बॉडी एंड सर्विक्स. तो ऊपर जो आपको डोम शेप दिख रहा है दिस आर द फंडस. इट इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स. यूट्रस डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट फंडस. सेकेंड पार्ट कौन सा है बॉडी. बीच में आपको जो एरो दिख रहा है यूट्रस का दिस आर द बॉडी एंड थर्ड लास्ट पार्ट इज अ सर्विक्स. ओके द फंडस इज अ डोम शेप एंड प्रेजेंट अबाउ द ओपनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब. जहाँ फेलोपियन ट्यूब ओपन होती है हियर द फंडस डोम शेप फंडस इज प्रेजेंट. सेकेंड इज अ बॉडी. बॉडी इज अ मिडल मेजर पोर्शन. आपको बीच में जो पोर्शन दिख रहा है ओके दिस आर ऑल इज अ बॉडी. जो एरो ऊपर से आ रहा है यूट्रस का वो कहाँ पे बॉडी पे. सो नाउ दिस बॉडी इज लाइन बाय 3 लेयर्स. यूट्रस वॉल की 3 लेयर है बॉडी में. आउटर इपीमेट्रियम मिडल मस्क्यूलर मायोमेट्रियम एंड इनर हाईली वैस्क्यूलर एंडोमेट्रियम. सो बॉडी की 3 लेयर्स है ओके पेरीमेट्रियम मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. नेक्स्ट वन इज अ सर्विक्स. सर्विक्स कहाँ पे प्रेजेंट है. इट इज अ लोअर सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द यूट्रस. इट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर एंड प्रेजेंट अबाउ द ओपनिंग ऑफ वेजाइना. वेजाइना के जस्ट अबाउ प्रेजेंट ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. तो यूट्रस का मेन फंक्शन देखते हो. यूट्रस के 3 पार्ट के फंडस बॉडी सर्विक्स. नाउ फंक्शन देखते हैं. यूट्रस इज अ साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट. क्योंकि आफ्टर फर्टिलाइजेशन इम्ब्रियो डेवलप होता है. इम्ब्रियो इम्प्लांट कहाँ पे होता है गर्भ में. यूट्रस मीन्स गर्भ उम्ब. तो इट इज़ अ डेवलप साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट साइट. ओके फीटल डेवलपमेंट साइट है. इट इज़ अ साइट ऑफ फीटल प्लासेंटेशन. यहाँ पे ही प्लासेंटा बनता है गर्भ में. इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ फीटस. मेन फंक्शन क्या है डेवलपमेंट साइट ऑफ द फीटस साइट ऑफ फीटल प्लासेंटेशन एंड पार्टुरेशन. पार्टुरेशन में जो बर्थ कैनाल है यहाँ से ही बच्चा पूरा ग्रोथ होता है एंड ड्यूरिंग पार्टुरेशन डिलीवरी यहाँ से ही बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में आ जाता है. ओके सो दीज आर द फंक्शन ऑफ यूट्रस. नाउ नेक्स्ट वन इज अ वेजाइना. वेजाइना इज अ फाइब्रो मस्क्यूलर कैनाल. आपको डायग्राम आप लोग सर्विस के नीचे देख रहे हो. दीज आर द वेजाइना. इट इज़ अ फाइब्रो मस्क्यूलर कैनाल एंड एक्ट एज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. इट इज़ एक्ट एज अ फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन. इट इज हाईली कोलेप्सेबल एंड डिस्टेंसिबल. वेजाइना कैसा है हाईली कोलेप्सेबल एंड डिस्टेंसिबल. इट इज़ अबाउट 7.5 सेंटीमीटर टू 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. इसकी लेंथ कितनी है 7.5 to 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. इट ओपन इन टू द वेस्टिब्यूली ऑफ वल्वा. वल्वा इज एक्सटर्नल जेनिटालिया. तो एक्सटर्नल जेनिटालिया में ये वेस्टिब्यूली रीजन में ओपन होता है. सो नाउ वेजाइना इज कवर विद द हाइमेन मेम्ब्रेन. किससे कवर रहता है हाइमेन. ओके नाउ दिस वेजाइना स्टोर ग्लाइकोजन. वेजाइना क्या स्टोर करता है ग्लाइकोजन. सो नाउ दिस ग्लाइकोजन सो बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस. मैंने कौन सा बैक्टीरिया यूज किया लैक्टोबैसिलस. दिस ग्लाइकोजन अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड वेजाइना बिकम एसिडिक. वेजाइना बिकम एसिडिक. तो ये जो वेजाइना रीजन है वो इट इज़ हाईली एसिडिक. एसिडिक क्यों है बिकॉज इट स्टोर ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन फर्मेंटेड होता है. फर्मेंटेड कौन करता है उसको बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस. सो बिकॉज ऑफ लैक्टोबैसिलस इट ग्लाइकोजन अंडरगोज फर्मेंटेशन एंड इट बिकम एसिडिक इन नेचर. एसिडिक इन नेचर. द मेन फंक्शन वेजाइना का इट रिसीव द सीमन ड्यूरिंग
कॉपुलेशन। कॉपुलेशन मीन्स सेक्शुअल इंटरकोर्स के दरमियान ये सीमन रिसीव करता है। सीमन इज अ मेल डिस्चार्ज विच कंटेन स्पर्म्स। ओके, इट इज अ पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड फॉर्म द बर्थ कैनल ड्यूरिंग लेबर। सो इट इज अ पैसेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान यहाँ से ही ब्लीडिंग, अनवांटेड रप्चर इंडोमेट्रियम पार्ट, ब्लड, अनफर्टिलाइज एग बाहर जाता है। एंड इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बर्थ कैनल ड्यूरिंग लेबर मीन्स ड्यूरिंग डिलीवरी, यहाँ से इट इज़ अ बर्थ कैनल ऑफ ड्यूरिंग लेबर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम लोग पार्ट देखेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हम लोगों ने अभी तक इंटरनल जेनिटेलिया देखा, नेक्स्ट वन इज़ अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें आपको जानबूझ के मैंने डायग्राम दी है बिकॉज इसका जो डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया है, बट वो डिस्क्रिप्शन से आपको पता नहीं चलेगा। ओके, और उससे क्या हो जाएगा, आपके मन में खलर रहेगी, वो स्टडी पार्ट छोड़ के आप लोग दूसरे वे पे निकल जाओगे। तो बेटर मैंने आपको साइंटिफिक वे से स्टडी करने के लिए यहाँ पे मैंने डायग्राम दी है। सो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज कॉल्ड एज अ वल्वा, इट्स कॉल्ड एज अ वल्वा। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ स्किन स्किन फोल्ड्स कॉल्ड एज अ लेबिया, वेस्टिबुली, क्लाइटोरिस एंड मॉन प्यूबिस। तो इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं, लेबिया, वेस्टिबुली, क्लाइटोरिस एंड मॉन प्यूबिस। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग लेबिया। लेबिया कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। आपको डायग्राम में दिख रहा है, फर्स्ट वन इज अ लेबिया मेजोरा, दीज आर द टू लार्ज फोल्ड। लेबिया मेजोरा आर द टू लार्ज फोल्ड विच इज अ फॉर्म बाउंड्री ऑफ वल्वा। ये किसकी बाउंड्री है, वल्वा की। दे आर होमोलोगस टू द स्कॉटम ऑफ मेल, मेल का जो स्कॉटम है उससे ये होमोलोगस है, दोनों का ओरिजिन सेम ही है। ओके, सेकंड इज अ लेबिया माइनोरा। ओके, लेबिया माइनोरा दीज आर द स्मॉलर थिनर लिप लाइक फोल्ड, स्मॉलर थिनर लिप लाइक फोल्ड लोकेटेड जस्ट मीडियली टू द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट मीडियली प्रेजेंट है। ओके, द पोस्टीरियरली द लेबिया माइनोरा फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म फोरचिट, लेबिया माइनोरा फ्यूज टू फॉर्म फोरचिट। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे मोन प्यूबिस, जो अपर लेबलिंग जो है मोन प्यूबिस। इट इज़ अ एंटीरियर पार्ट, इज अ फैटी एंड कवर विथ प्यूबिक हेयर। ये एंटीरियर पार्ट है, इट इज़ अ फैटी एंड कवर विथ प्यूबिक हेयर, प्रेजेंट अबाउ द लेबिया मेजोरा, प्रेजेंट अबाउ द लेबिया मेजोरा। नेक्स्ट वन इज अ क्लाइटोरिस। ओके, क्लाइटोरिस लेबलिंग में दिख रहा है आपको, दिस आर द क्लाइटोरिस। इट इज़ अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन, क्लाइटोरिस इज अ स्मॉल इरेक्टाइल ऑर्गन लाइंग एट द एंड ऑफ लेबिया मेजोरा, लाइंग एट द एंड ऑफ लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा के एंड पे प्रेजेंट है लाइंग। इट इज़ होमोलोगस टू द मेल पेनिस, किससे होमोलोगस है, मेल पेनिस से। सो नेक्स्ट वन इज अ वेस्टिबुली, डायग्राम में आपको वेस्टिबुली देखेगा ना, इट इज़ अ मिडल पार्ट। ओके, जहाँ पे वेजाइना का दिया है वहाँ पे वेस्टिबुली है। इट इज़ अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा इंक्लोजिंग वेजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। इट इज़ अ मीडियन वर्टिकल डिप्रेशन ऑफ वल्वा इंक्लोजिंग वेजाइना एंड यूरेथ्रल ओपनिंग। सो ये पार्ट हुआ आपका फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ एसेसरी सेक्स ग्लैंड, नेक्स्ट वन इज एसेसरी सेक्स ग्लैंड। सो देर आर टू एसेसरी सेक्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट वन इज अ बार्थोलिन ग्लैंड एंड सेकंड वन इज अ मैमरी ग्लैंड, उसको ब्रेस्ट बोलते हैं। फर्स्ट वन इज अ बार्थोलिन ग्लैंड। सो बार्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस। सो आपको डायग्राम में देख सकते हैं वेजाइनल ओरिफाइस, जो वेजाइनल ऑर्गन से इंटरनल उसके साइड में, इट इज़ अ प्रेजेंट ऑन द आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफाइस। देर आर पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड, कितने हैं, देर आर पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड। दिस बार्थोलिन ग्लैंड सिक्रीट क्लियर विस्कस फ्लूइड, ये क्या सिक्रीट करता है, क्लियर विस्कस फ्लूइड विच एक्ट एज अ लुब्रिकेंट ड्यूरिंग कॉपुलेशन एंड पार्टोरेशन। कॉपुलेशन मीन्स ड्यूरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स एंड पार्टोरेशन मीन्स ड्यूरिंग बर्थ डिलीवरी। ओके, सो ये काम क्या करता है, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट, इसका जो सिक्रीशन होता है इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज अ मैमरी ग्लैंड। सो मैमरी ग्लैंड और ब्रेस्ट, इन ह्यूमन बींग मैमरी ग्लैंड आर वन पेयर एंड प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल थोरेसिक वॉल। कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, वेंट्रल थोरेसिक पार्ट, वेंट्रल रीजन में। इट इज़ अ मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड,
इट इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड एंड इन मेल इट इज अ वेस्टिजियल. मेल में कैसा है ये वेस्टिजियल. सो हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डेवलपमेंट. जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इन फीमेल इट इज बिकॉज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये फीमेल हार्मोन से एंड इट ओनली सीक्रेट इन द फीमेल. हेंस द मैमरी ग्लैंड ओनली डेवलप इन द फीमेल. द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इंटू 15 to 20 इररेगुलर शेप मेमरी लोब्स. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे लोब्स दिख रहे हैं आपको. सो दीज आर द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट. ओके नाउ ईच अल्वियोलर ग्लैंड सीक्रेट मिल्क. यहाँ पे देखो अल्वियोलर आपको दिख रहा है, अल्वियोला दिया है. ओके फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू के नीचे जस्ट दीज आर द मिल्क ग्लैंड. मिल्क ग्लैंड लेबलिंग किया है. सो दीज आर कॉल्ड एज अल्वियोलर ग्लैंड विच सीक्रेट मिल्क विच स्टोर इन द ल्यूमन ऑफ अल्वियोली. किसमें स्टोर है? ल्यूमन ऑफ अल्वियोली. आपको अल्वियोली जो बबल जैसा दिख रहा है, बलून जैसा, दीज आर कॉल्ड एज अल्वियोली. ओके ये ग्लैंडुलर टिश्यू और मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है. सो अल्वियोली में क्या स्टोर रहता है? मिल्क इन द ल्यूमन ऑफ अल्वियोली. सो अल्वियोली ग्लैंड सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर इन द ल्यूमन ऑफ अल्वियोली. अल्वियोली ग्लैंड मीन्स यहाँ पे मिल्क ग्लैंड ही है. द अल्वियोली ओपन इन टू द मैमरी ट्यूबल्स. अल्वियोली कहाँ पर ओपन हो रही है? मैमरी ट्यूबल्स. मैमरी ट्यूबल का नाम है यहाँ पे मिल्क डक दिया है. देखो मिल्क डक. दिस ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मैमरी डक. ये सब ट्यूब्यूल है, तीन चार दिख रहे हैं आपको. इट ज्वाइन टू फॉर्म अ मैमरी डक. मेनी मेमोरी डग ज्वाइंट फॉर्म वाइड मेमोरी एम्फुला. सब ज्वाइन होकर क्या बनाता है? वाइडर मेमोरी एम्फुला विच कनेक्टेड टू द लैक्टिफेरस डग. किससे कनेक्टेड है? लैक्टिफेरस डग. ओके नाउ द टिप ऑफ दिस मेमोरी ग्लैंड. मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ निप्पल. द टिप ऑफ द मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज अ निप्पल. इट इज़ सराउंडेड टू द डार्क ब्राउन कलर. किससे सराउंडेड रहता है निप्पल? डार्क ब्राउन कलर एंड सर्कुलर एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एज अ एरियोला. कॉल्ड एज अ एरियोला. डायग्राम में आपको एरियोला दिख सकते हैं. जो निप्पल है, निप्पल इज सराउंडेड विद अ डार्क ब्राउन कलर एंड सर्कुलर एरिया ऑफ स्किन कॉल्ड एज अ एरियोला. आफ्टर चाइल्ड बर्थ एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट ऑक्सीटोसिन. वो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ दिस ऑक्सीटोसिन दिस मेमोरी ग्लैंड सीक्रेट मिल्क. ओके मीन्स बच्चे का जन्म होने के बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड इट सीक्रेट ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ओके ये होगा आपका मेमोरी ग्लैंड. सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू एंड टेक केयर.